Good morning, student. Welcome to the online classes of Montbrecia School. कल मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड 6 की कविता पढ़ाई थी. आज मैं उसकी अंतिम पंक्तियाँ को पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से हैं. जागे जन जन ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण क्षण, ओ स्वप्न प्रिय उन्मिलित कर दे आलिंगन. इस गर्म सुबह तपती दोपहर में निकल पड़े श्रमजीवी धरती के प्यारे. इन पंक्तियों का अर्थ है कि सुबह होते के साथ प्रत्येक व्यक्ति, जन जन का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति, वो सभी जाग जाते हैं. और कवि की इच्छा है कि उनके जागते ही उनका ये दिन जो है वो ज्योतिर्मय हो, यानी प्रकाशमय हो, खुशियों से भरा हो. ओ स्वप्न प्रिय उन्मिलित कर दे आलिंगन. इस गर्म सुबह तपती दोपहर में निकल पड़े धरती के श्रमजीवी धरती के प्यारे. ओ स्वप्न प्रिय, ओ स्वप्न प्रिय का अर्थ है जो सपने में खोए रहने वाले मनुष्य हैं, उन लोगों से कवि कह रहा है कि दिन जो है वो निकल आया है, पूरी तरह से निकल आया है. और इस गर्म सुबह, गर्म सुबह यानी गर्मी की सुबह जो है वो क्या होती है, लोगों द्वारा थोड़ा सहनीय होती है. लेकिन तपती दोपहर में, तपती दोपहर में भी जो श्रमजीवी होते हैं, यानी श्रम करके जो अपनी जीविका चलाते हैं, वैसे व्यक्ति सर्दी गर्मी की कोई भी परवाह नहीं करते और अपने अपने कामों पर निकल पड़ते हैं. तो आप लोगों ने देखा कि ये जो प्रभाती कविता है उसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं. वो बता रहे हैं कि सूर्य उदय होते ही क्या होता है, आसमान से चांद और तारे विदा ले लेते हैं. सपनों की दुनिया में खोए रहने वाले व्यक्ति जो है वो सभी अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं. कवि ये कामना करते हैं कि हर व्यक्ति का दिन जो है वो अच्छा गुजरे, उनका जीवन जो है, अगर पिछली रात अगर वो कठिनाई में उन्होंने गुजारी है, जग कर काटी है, तो ये दिन जो है उनका अच्छा बीते, ऐसे कवि ने कामना की है. साथ ही उन्होंने यहाँ श्रमजीवी जो है वो धरती के प्यारे कहा है. तो धरती से अगर कहा जाए कि धरती के प्यारे अगर कोई है तो वो किसान हो सकता है, क्योंकि किसान जो है वो सुबह उठते ही अपने अपने जो है खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं. वैसे तो श्रमजीवी का अर्थ ये भी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जो श्रम करके अपना जीवन चलाता है, तो उसमें चाहे किसान हो या कोई और व्यक्ति हो, लेकिन हर दिन जो है सूर्योदय के साथ उनके जीवन में एक नया जो है आशा लेकर आती है. यही इन कविता की पंक्तियों का अर्थ है. आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. और आज के लिए आप लोगों का होमवर्क क्या होगा कि आप इस कविता का जो है शब्दार्थ उसे अच्छी तरह से लर्न कर लें. धन्यवाद.